28 साल बाद शनि का महागोचर। अप्रैल माह में कर्म फल दाता का राशि परिवर्तन। 29 अप्रैल से शनि बदलेंगे अपनी चाल। मकर से कुंभ में प्रवेश करेंगे न्यायाधीश। किन राशियों पर ढैया होगी आरंभ? किन राशियों पर लगेगी साढ़े साती? आने वाले 28 साल 12 राशियों के लिए कैसे रहेंगे, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं कविता राणा, मेरे साथ आचार्य मेघशर्मा जी। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को देहरादून से बहुत बहुत नमस्कार और आप सभी का अभिनंदन। तो इस बार न्यायाधीश शनि देव का महागोचर हो रहा है। 29 अप्रैल से शनि मकर से निकलकर कुंभ राशि में जाएंगे और उसके बाद 5 मई से कुंभ में ही वो वक्री हो जाएंगे। शनि का ये महागोचर इसलिए महा है क्योंकि शनि देव देखिए हर महीने राशि परिवर्तन नहीं करते, हर 2.5 साल में आते हैं राशि परिवर्तन करते हैं। और इसका उनका जो 2.5 साल का जो गोचर होता है ये आने वाले व्यक्ति के जीवन के 2.5 सालों तक इसका प्रभाव रहता है। और ऐसे में कर्क राशि के लिए शनि के ये 2.5 सालों का जो ये गोचर है क्या कुछ लेकर आ रहा है, शनि के आशीर्वाद से आपकी सेहत कैसी रहेगी, आपका आर्थिक पक्ष, शनि की दृष्टि जब आपके आर्थिक पक्ष आपके काम कारोबार और आपके रिश्तों पर पड़ेगी तो क्या कुछ उस पर असर डालेगी, यही आज हम जानेंगे। मैं जी तो मैं ये सबसे पहले मैं ये आपसे समझना चाहूँगी कि कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में उनकी कुंडली में शनि कहाँ आकर बैठ गए हैं और कहाँ बैठकर वो क्या कुछ देंगे लोगों को। देखिए अभी तक जो है कर्क राशि वालों की कुंडली में जिस समय हम वीडियो शूट कर रहे हैं उस समय शनि मकर राशि में ही होंगे जी, और यानी कि सप्तम भाव में। तो 2.5 साल से इनका शश नाम का पंच महापुरुष राजयोग बड़ा जबरदस्त चल रहा था और कर्क राशि में कहा गया है कि कर्क लगन हो या कर्क राशि हो यहाँ शनि अशुभ फल देते हैं, यहाँ शनि मार्केश हो जाते हैं क्योंकि आयु के कारक हैं। अगर कुंडली में शनि कमजोर हो गए तो आयु पे खतरा बना देते हैं या बीमारी के योग दे देते हैं, सप्तमेश भी होते हैं तो इसलिए शनि कर्क राशि वालों के लिए शुभ नहीं माने गए हैं क्योंकि यहाँ पर शनि अगर आपकी कुंडली में शनि शुभ स्थिति में है, ये बात मानिए, अगर आपकी कुंडली में शनि चतुर्थ भाव में बैठे हैं, कुंडली में शनि सप्तम भाव में अष्टम भाव में बैठे हैं, भाग्य भाव में हैं, लाभ भाव में बैठे हैं, तब तो आपको वो बड़ा अच्छा देंगे। लेकिन अगर कुंडली में कहीं शनि और स्थान में बैठे हैं तो वो नुकसान कर देते हैं। अक्सर देखा है कविता जी कर्क राशि वालों को जब साढ़े साती आती है और कुंडली में शनि ठीक नहीं है या आपने अशुभ फल कुछ गलत काम कर दिए तो उनको खामियाजा बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ता है। तो इसलिए अब एक चीज़ और शुरुआत हो रही है, इनकी जो राशि से अष्टम भाव में शनि आ रहे हैं तो शनि की ढैया इनको लगेगी। हालांकि अष्टम ढैया इनको इतना परेशान नहीं करती है क्योंकि यहाँ शनि स्वराशि के ही होंगे जी, तो कोई घबराने वाली चिंता वाली बात नहीं है। अगर आपकी कुंडली में भी शनि बलवान है और आप जब आप अच्छे कर्म कर रहे हैं तो फिर डरना किस बात का कविता जी? हम क्यों डरते हैं कि भाई शनि आ गया है, तो शनि ऐसे खराब नहीं करते हैं। जब तक आप गलत कर्म नहीं करेंगे, गलत सोच नहीं आएगी आपकी, तब तक शनि नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो इसलिए डरने की जरूरत नहीं है, सावधानी से चलने की जरूरत है बस। बिल्कुल, तो देखिए शनि के इस गोचर से आपकी शनि की ढैया भी आपके जीवन में उसका आरंभ हो जाएगा और ऐसे में इन 2.5 सालों तक जब आप शनि की ढैया से गुजरेंगे और शनि का गोचर भी रहेगा तो क्या कुछ इस दौरान आपको मिलेगा, क्या कुछ आपको देखना पड़ सकता है, आइए मयंक जी से जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आपकी सेहत की। देखिए अष्टम का जो शनि की ढैया होती है वो हालांकि यहाँ स्वराशि के शनि है, कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी जी। अनटिल अनलेस जब तक आपकी कुंडली में अगर शनि नीच का है, राहु की दशा खराब चल रही है, केतु की दशा आपको खराब चल रही है, खराब गुरु की दशा चल रही है, तब जाके स्वास्थ्य संबंधी चीज़ें ज़्यादा खराब होंगी। अन्यथा यहाँ छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज परेशान करेंगे जैसे पेट संबंधी रोग, छोटे मोटे कफ कोल्ड की समस्या या स्पाइन से रिलेटेड दिक्कत, घुटनों में जोड़ों में दर्द जी। अगर आपकी आयु 50 वर्ष से अधिक है तो ज़्यादा परेशानी रहेगी, तो उसके अलावा कोई ऐसी चिंता करने वाली बात नहीं है। लेकिन ओवरऑल मैं ये सलाह दूंगा कि खान पान पर संयम बरतें, अपनी सेहत का ध्यान रख के चलेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैं जब मैं जानना चाहूँगी कि स्टूडेंट्स के लिए इस बार शनि का ये गोचर शनिदेव इन लोगों के लिए क्या कुछ लेकर आ रहे हैं, क्या इनके हायर स्टडीज़ के चलते विदेश यात्रा के योग बनाएंगे शनिदेव? बिल्कुल बनाएंगे। अगर विदेश जाके पढ़ना चाहते हैं तो थोड़ी रुकावटें ज़रूर आ सकती हैं, हो सकता है कि थोड़ा लेट एडमिशन हो लेकिन हो जाएगा,
मेहनत करते रहिए, प्रयास कीजिए। शनिदेव यहाँ आपको ये कहना चाह रहे हैं कि लापरवाही आपको कर्क राशि वालों नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपने लापरवाही करी तो परिणाम जो है विपरीत भी आ सकते हैं, या उतने अच्छे परिणाम नहीं आएंगे जो आप उम्मीद कर रहे हैं। तो मेहनत कीजिए आप छात्रों, निश्चित रूप से फिर सफलता मिलेगी। मैं जी, मैं आपसे यहाँ ये समझना चाहूँगी कि शनि जहाँ बैठते हैं वहाँ उस स्थान पे जहाँ बैठते हैं वहाँ पे अब मतलब जो परिणाम होते हैं वहाँ बढ़ा देते हैं, और जहाँ उनकी दृष्टि पड़ती है उसे घटाते हैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल। देखिए शनि के बारे में ये कहा गया कि शनि जिस भाव में बैठते हैं उस भाव की वृद्धि करते हैं जी, जहाँ देखते हैं उस भाव का फल कम करते हैं जी। ऐसा नहीं है कि नहीं देते हैं, कुछ लोग कह देते हैं ज्योतिषी या कुछ लोग ये भ्रांति है कि शनि जहाँ देखेगा उस भाव को उसका सत्यानाश कर देगा, बर्बाद कर देगा, ऐसा कुछ नहीं होता। उस भाव की कमी करता है, उस भाव से संबंधित फल को देरी से देता है, ये बात समझिए। तो इसलिए किसी को डराइए मत, आप भी मत डरिए, ये समझिए आज आप। शनि जब अष्टम भाव में आएंगे, अष्टम भाव आयु का है, तो शनि स्वराशि के बैठे हैं तो यहाँ शनि का बैठना आयु की वृद्धि करेगा जी। तो इसलिए छोटे मोटे रोग तो देगा लेकिन दीर्घ आयु का योग बनाएगा। अब शनि की जो तीसरी दृष्टि पड़ रही है वो आपके कर्म स्थान पर है, सातवीं दृष्टि पड़ रही है धन भाव पर, परिवार पर, और दसवीं दृष्टि जो पड़ रही है वो आपकी पड़ रही है इनकी वृश्चिक राशि पर। तो इस लिहाज से शनि इन भावों में थोड़ी कमी करेगा। जैसे अब क्या करेगा, हो सकता है कि आपको कार्यस्थल पर थोड़ा चुनौतियों का सामना करना पड़े, या ये भी तो पॉजिटिव लीजिए कि आपको वर्कलोड बढ़ सकता है, आपको बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है जी। तो जिम्मेदारी अब आपको देखिए, जब बड़ा पद मिलता है कविता तो ऑब्वियसली आपको सीरियस होना पड़ेगा। तो यहाँ कर्क राशि वालों को थोड़ा अपने कार्य के प्रति लापरवाह ना होके थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा, गंभीर होना पड़ेगा, तब आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। सप्तम दृष्टि धन स्थान पर, देखिए पैसा उधार ना दें, गलत धंधों में पैसा ना लगाएं जी, और घर परिवार में वाद विवाद से बचें तो समस्या नहीं आएगी। दसवीं दृष्टि पड़ रही है संतान भाव पर, लव रिलेशनशिप पर, तो प्रेमी प्रेमिका जो है वो आपसी मन मुटाव से बचें। हालांकि एक दूसरे को समय कम दे पाएंगे लेकिन फिर भी जितना भी समय आप बिताएं तो वो अच्छे से बिताएं, गलत फहमी पैदा ना होने दें, और थोड़ा अपनी संतान की सेहत का ध्यान रखें, इस चीज की सावधानी यहाँ बरतती जाती है। तो मैं जी, मुझे तो लगता है आपने इसी में समझा दिया कि इनका काम कारोबार कैसा रहने वाला है शनि के इस महागोचर में। ये दर्शकों को समझाने की जरूरत थी, और क्योंकि हमारे कई दर्शक शायद डर जाएं कि कर्क राशि ऐसा ढैया आ गई, अब तो मैं क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए मैंने डिटेल में समझाया है कि डरने की जरूरत नहीं है, ये जो हमने बताया है इस चीज को फॉलो कीजिए, तो घबराइए मत। मैं जी, मुझे लगता है अब बस विस्तार से बता दीजिए आर्थिक पक्ष पे शनि की दृष्टि कैसे रहेगी इन लोगों में। देखिए आर्थिक पक्ष की दृष्टि के लिहाज से ये समय आपको सामान्य लाभ का रहेगा, कोई बहुत बड़ा लाभ शनि यहाँ नहीं दे पाएंगे, सामान्य लाभ आपको देते चले जाएंगे। आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि इस समय मैं बहुत पैसा जोड़ सकता हूँ, बहुत बड़ी सेविंग हो जाएगी। हाँ, अगर आपको दशा महादशा शुभ चल रही है तब तो आप अच्छा जोड़ेंगे, लेकिन गोचरीय शनि फल का ये सामान्य लाभ का संकेत दे रहा है। मैं जी, जाते जाते इन लोगों को क्या करना चाहिए क्या नहीं इन ढाई सालों में। देखिए इन ढाई सालों में आपको क्या करना चाहिए, हमेशा की तरह कहूँगा कि एक तो अपने कर्म बहुत अच्छे करें, ईमानदारी से चलें, लापरवाही बिल्कुल ना करें, अपनी सेहत का ध्यान रखें, घर परिवार में सभी सदस्यों का सम्मान करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और ज़रा भावुकता से आपको इस समय पर बचना चाहिए, भावुक होकर आप कोई निर्णय लेने में देरी कर सकते हैं और वो बचना है। सोच समझ कर यहाँ निर्णय लें, जल्दबाजी में निर्णय लेंगे तो हो सकता है कि कहीं गलत जगह पैसा फंसा बैठे, इस चीज का आपको यहाँ ध्यान रखना चाहिए। क्या कुछ उपाय आप इनको बताना चाहेंगे? देखिए उपाय के तौर पर इस समय चूंकि शनि की ढैया रहेगी तो शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए ओम शम शनिश्चराय नमः शनि स्त्रोत डेली करें, शनिदेव का व्रत कर सकते हैं, काले तिल, सरसों का तेल, काले उड़द का दान कीजिए। शनिवार के दिन आपको क्या करना है, लोहा नहीं खरीदना है, ना सरसों का तेल, शनि से संबंधित कोई भी जो वस्तु है उस दिन घर पे नहीं लानी है, उसका घर से दान करना आपके लिए ज्यादा हितकर रहेगा। गरीब व्यक्ति की सेवा करेंगे, उनको खाना खिलाएंगे तो भी आपको विशेष लाभ मिलेगा। चलिए, तो ये था हमारे मयंक शर्मा जी, जिनसे हमने जाना कि 29 अप्रैल के बाद जब शनि का महागोचर होगा तो किस प्रकार से कर्क राशि पर ढैया आरंभ होगी, और इसी के साथ साथ आने वाले इन ढाई सालों में शनि के आशीर्वाद से आपको क्या कुछ मिलेगा। उम्मीद करते हैं तो आपको हमारा वीडियो अच्छा लगेगा, फायदेमंद भी साबित हो। इसी के साथ हम दोनों को दीजिए इजाजत, नमस्कार।